व्हाट इज अप दोस्तों, मैं हूँ राकेश, आ गए हूँ नया एक वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है आप लोगों को तो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाँ भाई, मेरे को पता है मैंने कैरी मिनाटी का डायलॉग मारा है। तो शुरू करें? चलो चलो चलो। तो ये बात है उस दिन की, जिस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद फ्री फायर खेल रहा था। और जैसे हम लोगों ने गेम स्टार्ट किया और क्या देखा हमने, डेव अलोन भाई हमारा गेम में। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया क्योंकि भाई हमारे लिए तो कंटेंट है ना, कंटेंट मांगता है अपन को। तो हम लोगों ने सोचा माउंट विला पे उतरते हैं और लास्ट में उन लोगों के साथ फाइट करेंगे। उन लोगों को तो आज मरना ही मरना है, ऐसा हमने ठान लिया था। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सेफली खेलने का डिसीजन लिया और माउंट विला पे उतर गए। इधर पे लूट करते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना है, करना है, करना है। तीन बार बोल दिया भाई, अब तो करो लाइक और शेयर। ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भाई देखो देवरुण भाई का एक किल भी आ गया। तो डायरेक्ट आपको फाइट के सीन पे लेके चलता हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। भाई लोग हम लोग वापस आ गए। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा इतना देर में। तो हम लोगों ने पूरा ब्राजीला पूरा माउंट विला छानबीन मारा, लेकिन किधर भी बंदा नहीं मिला भाई। और हम लोग घूमते घूमते आ गए फील्ड्स पे। फील्ड्स पे आके हम लोगों को क्या देखा, ऊपर किसी ने ड्रॉप मंगाया। समझ रहे हो आप? नहीं 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 के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई नहीं। हाँ भाई वही स्क्वाड है हमारा, देव अलोन भाई ऊपर बैठे हुआ है। तो हमारा दो बंदे तो ज़्यादा ही जोश में आ गए भाई, और ज़्यादा जोश में आके होश खो बैठे अपना। तो लोग ब्रश करने चले गए राइट साइड से, और मैं नीचे से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने देर में मैंने क्या देखा, हमारा बंदे अभी नॉक हो जाएंगे। देख लेना आप लोग क्या होगा उन लोगों के साथ। और हमारा दे बलोन भाई क्या ही भाई जैसे चला रहा था, खतरनाक बल्ब जैसे चला रहा था। तो मेरा एक दो बंदे उधर पे नॉक हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा दुकान के पास जाके भाई, हम तो दुकान ही बोलते हैं, दुकान के पास जाके भाई उन लोगों को रिवाइव कर देते। इसलिए मैंने सीधा वो मशीन के तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन क्या देखा इतना देर में कुछ नहीं देखा भाई। अभी मेरा पीछे पीछे प्राप्तिक को भी आने को बोल दिया मैंने, तो प्राप्तिक भी मेरे पीछे पीछे आने लगा, और सामने मशीन के पास जाने की पूरा कोशिश, और थोड़ा डर भी लग रहा था भाई, हमारा तो फटी भरी हुई थी। हम दो और चार, इसलिए मैंने थोड़ा प्राप्तिक को कवर देने की कोशिश की, लेकिन इतना देर में ही मैंने क्या देखा, प्राप्तिक को भी पढ़ने लगी। उसने कहा भाई मैं तो नहीं बचूंगा, तू चला जा, इसलिए मैंने आ गया भाई, मैंने नहीं मैं आ गया। तो इधर भी टोकन भी मिल गया थोड़ा, तो मैं वेंटिलेटर मशीन के पास चला जाता हूँ, और सामने से उन लोगों का स्क्वाड का एक मेंबर भाई आ गया मेरे पास। जैसे ही मैंने चट्टी मार दिया भाई, मैंने ग्लोअल मार के एक मेडिकेट, एक नहीं दो मेडिकेट मारा, शायद से एक ही मेडिकेट ले लिया। और भाई जेम्स भाई को क्या मुंदा मारा मैंने, तो इसका नाम जेम्स था, इसको फिनिश कर दिया। और इतना देर में ही भाई वो तीन लोग क्रश कर दिया देवलोन भाई लोगों ने, और एक लड़की थी, इस लड़की को भाई मैंने क्या ही मारा। तो फिर पीछे से आ गए भाई हमारा देवलोन भाई। तो सच कहूँ भाई इधर पे मेरा फोन बहुत लैग कर रहा था, लेकिन क्या ही बोले, जब भी अच्छे प्लेयर आते तब भी फोन लैग करते हैं वो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहाना है भाई, सिर्फ भाई ठीक है ऐसा बहाना बनाता है, क्लैश स्क्वाड में ऐसा बहाना बनाते हैं भाई टीम का, लेकिन भाई इधर पे सीरियस था यार, विश्वास किया कीजिए, समझ रहे हो ना इसका मतलब नहीं। और हमने क्या बोला, जिसको मैंने बचाया था उसको हम लोगों ने भाई थोड़ा मोटिवेट किया, जा तू अकेला मार सकता है, हमारा बदला लेके आ, मेरा बलिदान का बदला लेके आ जा। तो फिर ये भी थोड़ा ज़्यादा ही जोश में जाके होश खो बैठा और जाके मर गया। खत्म टाटा भाई गए हो गए, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया हमारा तो।
स्क्वाड मेट का और दे बलोन भाई को देख ही सकते हो, 3 लाइक मिल गए। इसी तरह आप लोग भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे दे बलोन भाई किस तरह से खेल रहा है अपना ओपी लेवल का गेम प्ले इधर पे दे बलोन भाई का, और इधर पे इसके साथ जो टीममेट भी खेल रहे वो भी बहुत अच्छे खेल रहा था भाई। मैं हम लोग इन लोगों को मार सकते थे पता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लेकिन मैं भाई अकेला पड़ गया था, हमारा स्क्वाड मेट तो भाई दरादर मर गए थे, तो मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया था, 2 बंदे को तो मैं ले ही गया था, लपेट लिया था भाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कोई मिलेगा तो मरेंगे जरूर। नीचे 10-12 ही बंदे थे, तो इन लोगों का तो बुआ पक्का था क्योंकि इन लोगों के पास ही जोन था। तो देखते हैं क्या होता है, आखिरी तक देखते रहते हैं इन लोगों को। तो नीचे बंदे हैं पत्थर के पास, देवलम दर पे बेस चलाते हुए, और पीछे से भाई बंदा आ गया मारने को भाई। डैमेज दिया बहुत देवलम भाई को, लेकिन देवलम भाई ने इधर भी कोनो लगा दिया, फिर भी उस बंदे को भाई डैमेज दिया था ओपी वाला। तो इधर पे देवलम भाई जाके इलाज करने के, लेकिन मैं इधर पे मेरे को क्या हो रहा था, बार बार स्विच कर रहा था भाई कैमरा को, कैमरा बोलते हैं ना जो भी है भाई, बंदे को स्विच कर रहा था। एक ही बंदे के पास मैं अपना फोकस नहीं रख रहा था, और इधर पे मेरा भाई बिजली चला जाता है और मेरा वाईफाई ऑफ हो जाता है। ये क्या है, इसलिए मैंने अपना मोबाइल का नेट ऑन कर लिया था, और थोड़ा देर रिकनेक्टिंग हो आएगा भाई टाइम, तो रिकनेक्टिंग होने के वेट करते हैं। और रिकनेक्ट भी हो गए, और देखो भाई दे बलोन भाई सड़क के अंदर से मरेगा, लेकिन भाई ये मेरा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा दिखा रहा था। दे बलोन भाई भाई देखो कितना डैमेज भाई, वो लोग तो मरेंगे क्योंकि इन लोगों के पास ही जोन था। लेकिन इधर पे भाई Kar90Z के साथ भाई बंदा नॉक हो गया हमारा दे बलोन भाई। वो बंदा किस तरीके से मरेगा आप लोग देखना भाई, पूरा सीधा हेडशॉट लगेगा उस बंदे को। देखो आप सिर्फ वेट करो एक मिनट, मेडे मरने दो और जेम जोन को श्रिंक होने दो। देखो भाई बंदे को पूरा हेडशॉट लगा, पूरा सीधा हेडशॉट पर, और बंदे एक ही बंदा जिंदा है फिर के बाद, कोई एक ही गोली का था शायद से बंदा, 2 गोली मरेंगे तो मर ही जाएगा वो। देखो भाई मर गया, और इसी के साथ बुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।